हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते क्या है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास शेख है, वोकेशनल ट्रेनर हूँ, ITes का, BHSS कलमाबाद कुपवारा। कंटेंट्स क्या है हमारे यहाँ पे, हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एक्सप्लेनेशन इन टाइप्स इन ब्रीफ। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे, हम इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमें क्या हासिल होगा। हम पहले सीखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, उनका डिफरेंस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड उनकी जो जानकारी वो देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक झुंड होता है इंस्ट्रक्शंस का जो इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोसेसर को कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है उसके बारे में। सॉफ्टवेयर्स को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो सब कैटेगरीज में, एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, वो इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। ये इंटरफेस मीनस कि ये दो चीज़ों के दरमियान रहता है, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान। तो इसमें एग्जांपल्स हमारी है ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है और सिस्टम यूटिलिटीज है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम देखते हैं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम होता है जो मीडिएट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स ये वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट ड्राइवर की प्रॉपर फंक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर, माउस का डिवाइस ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल है माउस के एक्टिविटीज को मैनेज करने में। इसी तरह से सिस्टम यूटिलिटीज डे टू डे टास्क जो हमें परफॉर्म करनी होती है कंप्यूटर के द्वारा, तो हम वहाँ पे सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखे होंगे कि कंप्यूटर में आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को देखते हैं। हम कहते हैं कि वो है फला, मेरे पास वो वाली एप्लीकेशन है, मेरे पास ये वाली एप्लीकेशन है। सो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पैकेज है वो। सो कंप्यूटर क्या करता है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ ये काम करते हैं कंप्यूटर में, ये मैनेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपकी, जो भी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है, कोई टेक्स्चुअल टास्क है, तो वो आप परफॉर्म करते हैं एमएस वर्ड के द्वारा, वो जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें तो यहाँ तो एक ही प्रोग्राम होगा सिंगल, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वाइजो जो कि कंप्यूटर डिज़ाइनर्स को लगता है, या माइक्रोसॉफ्ट नोट पेड है आपके पास जो राइटिंग एंड एडिटिंग सिंपल टेक्स्ट के लिए लगता है, या तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होंगे। जिस तरह से मैंने अभी बोला आपको कोई सॉफ्टवेयर पैकेज होगी, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस पैकेज, जिसमें आपको बहुत सारे सब एप्लीकेशंस मिलेंगे जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एट्सेट्रा। सो अब हम देखते हैं कि इंटरफेस लेवल्स ऑफ यूजर्स
किस तरह से एक यूज़र और किस चीज़ के द्वारा किस चीज़ के साथ यूज़र ये इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हार्डवेयर यूज़र की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमें एक इंटरमीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम तो कम्युनिकेट कर सकते हैं हार्डवेयर के साथ, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फंक्शनलिटीज़ है ये लिमिटेड होती है। एक यूज़र डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी फंक्शंस को यूज़ नहीं कर पाता है। तो हम उनके वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर लेते हैं हम वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर लेते हैं सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। इनडायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाली एक्शंस जो यूज़र ने उसको यूज़र एक्शंस देता है एप्लीकेशंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर रिडायरेक्ट करता है उन एक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो वाली एक्शंस रिडायरेक्ट कर लेता है हार्डवेयर के द्वारा उन एक्शंस को वो परफॉर्म कर लेता है। सो एट द लेफ्ट मोस्ट एंड वी हैव यूजर्स एंड आफ्टर यूजर्स वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड आफ्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दैट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो डायरेक्टली काम करते हैं किन पे वो काम करते हैं, वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इन टच रहते हैं। तो वाइल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरी बात सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए है कि इन ये डिपेंडेंट नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ये डिपेंडेंट नहीं है। बट जो भी प्रोसेस करेंगे, जो भी काम हम यूज़र को कराना होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कर सकता है। यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। सो इससे हमें पता चलता है कि जो यूज़र्स होते हैं वो डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड के साथ वो एक लेयर बना लेता है, उस लेयर के ऊपर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा हम काम कर सकते हैं। यूज़र्स मीन्स कि हम काम कर सकते हैं, हमें चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनमें जो हम काम करेंगे उस काम को कराने के लिए अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के द्वारा कराने के लिए हमें ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूजेज क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूजेज क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने एक टेबल बनाया है, इसमें हमने यूजेज नीड्स नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी एंड फंक्शंस को लिया है। पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिया है, यह एनेबल करता है कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली, कंप्यूटर को यह फंक्शनलिटी दे देता है, इसकी यूजेज ये है। वाइल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी यूजेज क्या है कि वो डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन उसके लिए यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या नीड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये नीड है कि जो भी फंक्शंस हमें परफॉर्म करनी होती है कंप्यूटर में वो हम डायरेक्टली हार्डवेयर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हार्डवेयर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इसलिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वाइल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड हमें यहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट को टाइप करना है तो हम डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो वाला काम नहीं कर सकते, या हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिपेंड्स ऑन द यूजेज एंड नीड, विदाउट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज स्टिल एबल टू फंक्शन। सो अगर हमें एक मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करनी है तो हमें मैथमेटिकल कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस तरह से हमारा MS Excel है। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स
हर एक नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कितने सॉफ्टवेयर्स हमें ज़रूरत है एक कंप्यूटर के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक कंप्यूटर के लिए एक ही हमें ज़रूरत होता है एट ए टाइम। हम मल्टीपल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हम एक ही यूज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमें वहाँ पे लिमिट नहीं है। हम जितने भी हमारे पास जितनी भी मेमोरी कैपेसिटी होगी, जितनी भी HDD हमारी उसकी कैपेसिटी होगी, उतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम कंटेन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। डिपेंडेंसी क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरलेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपको काम नहीं करेगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करेगा। तो फंक्शनलिटी क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एप्लीकेशंस के लिए। वायर एप्लीकेशंस क्या काम करती है? एप्लीकेशंस का काम होता है जो इन्वायरमेंट हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया होगा उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करना। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो हमारे पास आता है वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं, सेपरेट शीट्स आते हैं, इमेज एडिटर्स आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस आते हैं। बहुत सारी है, मैंने कुछ लिस्ट किया यहाँ पे। तो वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स को, मेमोज को। ये वर्ड प्रोसेसिंग हमें यूज़ होता है बिजनेस में, होता है स्कूल्स में, होता है और होम्स में होता है। तो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा लोट्स वर्ड प्रो है एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अब वर्ड प्रोसेसिंग के कॉमन फीचर्स पे देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के कॉमन फीचर्स क्या होता है। ये जो यहाँ पे है ये वर्ड प्रोसेसिंग का एक डायग्राम है, इसमें हम देखें, इसमें हमें ये आइडिया मिलता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का लुक कैसे होता है। कॉमन फीचर्स इसमें होते हैं वर्ड रैपिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, सिंपल और स्पेलिंग और ग्रामर चेकर होता है, ट्रेजर्स होते हैं, सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्राफ्स, टेबल्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब सेपरेट शीट्स क्या होता है? सेपरेट शीट में हम ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनका ग्राफ डाल सकते हैं। पॉपुलर सेपरेट शीट्स हमारे पास एक्सेल है, लोट्स 1, 2, 3। सेपरेट शीट्स का इंटरफेस कैसे होता है? सेपरेट शीट्स का इंटरफेस, सेपरेट शीट इंटरनली डिज़ाइन किया गया था रोज़ एंड कॉलम्स में। तो फिर हम उन रोज़ एंड कॉलम्स का एड्रेस देखिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सम निकाला है, सम हमने निकाला है H2 से H16 का, हमें सम परफॉर्म करना है। हमने यहाँ से, ये हमारा H2 है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, हमने यहाँ तक इसका सम निकालना है। हम सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला एंटर करेंगे इक्वल टू करके, यहाँ पे हम लिखेंगे इस सेल में एड्रेस हम देंगे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल टू, फिर एड्रेस H2 इज टू H16। सेल्स का एड्रेस हमें देना है तो हमारा काम हो जाएगा। हमें मैन्युअली 1+2+3+4+ नहीं करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली सम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रेंज वाइज कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल इस रेंज की कैलकुलेशन चाहिए तो हमें खाली एड्रेस डालना है, तो हम वो काम कर सकते हैं। ये यूज़ होता है सेपरेट शीट्स का। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का,
यहाँ पे हम ये प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, उसे को अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे. वहाँ पे उसमें विजुअल्स डाल सकते हैं, विजुअल ऑब्जेक्ट्स, ऑडियो वीडियोस, टेक्स्ट. मोस्टली यूज्ड जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो ईजी टू यूज़ है और मोस्टली यूज्ड. अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फीचर्स, यहाँ पे फाइल लेआउट हम कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट्स को ऐड करके इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमें ज़रूरत लगते हैं कि जो डेटा हमें उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको पब्लिसाइज करने के लिए, वहाँ पे उसे फीचर्स, उसे फैक्ट्स को ड्रा करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है. हमारे पास यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आती है एक पैकेज, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं. दूसरा सिक्योर है, तीसरा हमारा ओरेकल है. दीज आर द पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. एंड कंप्यूटर आर्ट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम डिफाइनड यूटिलिटी प्रोग्राम आता है, वो हमारे पास आता है MS Paint. MS Paint में हम क्या कर सकते हैं, हम आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे आर्ट बना सकते हैं. यहाँ फोटोशॉप हमारा आता है, वहाँ पे हम आर्ट बना सकते हैं, ग्राफिकल आर्ट हम प्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा. सो इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें हम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खुद लिखिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या है. इस वीडियो के देखने के बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन कीजिए और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे लिख लीजिए एंड एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने वीडियो में रखे हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड, एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर वहाँ से देख लीजिए जो हमने पढ़ा है इस वीडियो लेक्चर के द्वारा, उसको आप लिख लीजिए.